सबूबियत और मेहनत वास्ते बाबा सादात मोमिनीन के हिस्से नामों वास्ते बाबा के बुलंद सलवात पढ़ो। जिमें दरबार सोने दरबार के बारे सोने कोशिश करो सारे मुने बुलंद आवाज नाल इबादत समझ के सलवात पढ़ो। मेरा छीवा का कायनात का छीवा बादशाह बादशाह फरमाते हैं उस मोमिन के रिज़्क़ विच कमी नहीं आ सकती जिहड़ा साडी ज़ात के खाली से जिहड़ा साडा दरूद पढ़दा है। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी बाबा बुलंद सलवात दुआ है कि रहमान रहीम अल्लाह करीम अल्लाह कायनात का मालिक अल्लाह तो सब तमाम मोमिनीन का इस मुकद्दस मकाम से खलूस नियत नाल तुराया बानिया की सफेदा बिछाई जाकरीन उलमा की पढ़ाई मैं हकीर की नौकरी इमाम जमाना हुज्जत दौरा वली उल आसर वारिस हकीकी मालिक हकीकी बकीयतुल्लाह आयतुल्लाह रूहुल्लाह मजहरुल्लाह इरादतुल्लाह करमुल्लाह मशीयतुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह वजहुल्लाह नफ्सुल्लाह सरकार कायम आले मोहम्मद की बारगाह च इबादत कबूल जितने कदम टुर के आयो कदम कदम से टुर के अमन लाजरे अभी पाक सिखदा मखदूम है कौन है पाक नबी दी पाक धी थको ताफर आमीन सारे अपने एक मेंबर है नबी हो गए मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद जिक्र हो गए सबसे अदा से बंदा बैठा हो दुआ मंगी वजे तो आमीन ना आखे जोड़ नहीं जुड़ता जड़ा ही दुआ मंगी वजे खलूस नीयत नाल आमीन आखी करो मालक कैनात इस नाजुक मुश्किल दौरे च हर मोमिन की इज्जत उपरता महसूस कर दुआ है कि मालक के कायनात ही जिक्र का सदका ये जिक्र के पास वारसा का सदका तुम्हें को वाजबात अदा करने की तौफीक अदा कर दुआ है कि रहमान रहीम अल्लाह करीम अल्लाह चौड़ा का खालिक ये जिक्र का सदका ये जिक्र के पास वारसा का सदका तुम्हें को हजू ग्यारह तौफीक अदा कर मातमी जवाना की जिंदगी करा दी मालक कायनात बानियान दे माल जान रिस्क इस बरकत अता फरमा ले दिन दुगनी रात चौगनी करती अता फरमा ले नाल पुत्रां फेरावां दी आबाद शामिल मालक कायनात जिक्र का सदका ही जिक्र दे वारसां दा सदका जितने मोमिन हाजिर हैं या गैर हाजिर हैं रहीम करीम अल्लाह ते गुवास सही मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की इज्जत व असमत दा एक मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की शराफत और सदाकत और तहारत वास्ते हर मोमिन की जैद और शरी आजाद पूरी करना असा खाकी इंसान है असा खताकार है असा गुनहगार है तू बहु वड्डा रहीम है तू बहु वड्डा करीम है तेको वास्ता ही मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का साढ़े सगीरा और कबीरा गुनाहगार फरमा जेडे मोमिन मातमी आजादार बुलदारा ने हुसैन मवालिया ने हैदर करारी दुनिया फानी तो इंतकाल करवा गए
मालिक अपनी इज्जत अज़मत सदका उन्होंने गुनाह माफ फरमा और उन्होंने दर्जात बुलंद फरमा। मैं सैयदा मैं मिन्नत करके आखा आमीन सारे आखो। मालिक कायनात तू विहड़े ओ नगरियां ओ शहर ओ मुल्क ओ इलाके आबाद रहे जिथा मुहम्मद वहले बैदे मुहम्मद जिक्र वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। परेशान नहीं की होना ये जिक्र पंजा ते बारह ते चौदह का बल्कि उन्हां दा जिक्र है जिन्हां दा जाकिर अल्लाह है। हाँ बंदा परेशान थी रहा ना भाई असा सुनने वाले थोड़े हैं ते मैं बुले सांदे नाल वाला थी भी यार थोड़े बैठे हैं ते बंदे शर्म महसूस करें ते परेशान थी होना चाहिए पढ़ने वाले जो मैं पढ़ना है ते उन मेरे को सुनने वाले कोई नहीं। वाह वाह कौन करे थी ते नारा कौन ले थी सैयदा मिंबर नबी ते खड़ा कसम चावा ते गुनाह नहीं सरकार वफा दे अलम ते मेरा हाथ है मैं सैयद की मैं मेरा ईमान है तो सही कले नहीं बैठे जिक्र च नबी मौजूद है बोल सकते हैं तो बोले खालिक जुबान अता की थी सैयदा का दुआ करनी है नबी मौजूद मलाइका मौजूद वफा दे खालिक दा पहरा मौला सिरत देने और जिक्र दे वारिस मौजूद क्यों असा केडे खुश नसीब है केडे मुकद्दर वाले हैं जो मालकां दी मौजूदगी च उन्हां दे जिक्र च बैठे हैं अकीदा रखते हैं यकीन रखते हैं ईमान साडा है जिवें अल्लाह पूरी कायनात च हाजिर नाज़र है सैयदादा उमे चौड़ाई हाजिर नाज़र हैं। मैं हर मेंबर से गुजारिश करिंदा रहिंदा मनेंदे हैं अकीदा है यकीन साडा है जो जिहड़े नबियां दे मुश्किल कुशा है ते नबियां दे मुश्किल कुशा दी जिहड़ी औलाद है वो जिक्र च मौजूद हैं लेकिन असा खताकार हैं गुनाहगार इतने हैं साडियां अखां दा कसूर है साडे अमाल दा कसूर है असा देख नहीं सकते जो काली कमली वाला वल्लाह दीआं दुल्फां दा कित बैठा है अली मुर्तज़ा कित बैठा है हसन मौला कित बैठा है हुसैन मौला कित बैठा जी ने आबाद परेशान नहीं थी। देखो ना ये जिक्र मजमे का मकदार ते बुजुर्ग जे मजमा ढेर होवे मजमा ढेर होवे ते मन्नण वाले हुंदे थोड़े होवे क्यों मजमे दा फायदा है बोलो तो सही यार सौखियां जीआं गल्लां मैं थोड़े नाल करदा पियां ओ लड़न झगड़न ओ मैं छोड़ दित्ता ओ शबीर शाह मर गए लेकिन हुण त्रीजा डी है मत मेरे जज्बात उभरने पैण मैं अपने आप ते कंट्रोल कीती पिया मैं देखदा पिया मुल्की हालात जो मुल्क जजा थींदा क्या है ते वत मैं हालात देख के वत मैं उभर सा जरूर लेकिन गुजारिश है दुख लगदा है तकलीफ होंगी अगर मजमा होवे सवा लाख दा बोलो यार इबरार शाह जी मजमा होवे सवा लाख बानी होवे अल्लाह खतीब होवे सैयदुल मुरसलीन ते मौजू होवे अली और वलीउल्लाह ते उन मजमे दा को फायदा है जंदे च मनन वाले थोड़े होवे गुजारिश है भी सच्चे होने चाहिए मुखलिस होने चाहिए भावे थोड़े ही होवे ते मैं तो बेहतर जान दे सैयद तशरीफ फरमाओ बुजुर्ग अजीज मातमी जवान आलादार तशरीफ फरमाओ फत्ता हमेशा हक ते सच दी ते थोड़े हो इवें ना फत्ता हमेशा हक दी सच दी ते थोड़े हो तुसा देखो चा तुसा आज तो 1400 साल पीछे टुट वंजो करबला दे मैदान च यजीद मलौन फासिक फाजर रानी शराबी लानती खनवीर नाल 9 लाख
मोहर नबूवत सवार हुसैन नाल 71 रहे मेरे इमाम नाल 72 बन गए हैं लेकिन फतह हमेशा हक दी ते सच दी होंदी है यजीद नाल भावे 9 लाख आई यजीद ऊए नहीं मुर्दाबाद आई यजीद आज भी मुर्दाबाद है यजीद कयामत ते मुर्दाबाद रासी जिब्रील दे परां दी जीनत हुसैन जन्नत दा नवाब हुसैन ऊए नहीं जिंदाबाद आई हुसैन आज भी जिंदाबाद है हुसैन कयामत ते जिंदाबाद रासी परेशान न थीवो परेशानी खत्म करके वफा जिसका पढ़े कलमा वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास बोलो मेरे नाम वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास बेटा बोलना है वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं वफा जिसका बेटा वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं जिसे सजदे करें सजदा उसे अब्बास कहते हैं जी मेरो आबाद नमस्ते سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین انبیاء دا سردار عرش دا واسی رسول دا تاجدار پاک بطول دا پاک بابا حسنین شریفین کریمین دا پاک نانا ایک لاکھ 1999 نبی دی پاک دا وارث محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات رحمت کل اس پاک نبی دا شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم سادات دا پاک بہرا چار شعبان المعظم پاک سین بی بی حضرت ام البنین سلوات اللہ علیہا سلوات اللہ علیہا دی پاک جھولی ذات واجب وفا دا قرآن ہی نازل کیتا ہے جو میں اللہ تے نبی تے اللہ قرآن نازل کیتا ہے نہیں میری گل تو سمجھ نہیں سکے وفا دا قرآن انج نازل ہوئے جی میں ذات واجب نبی تے قرآن نازل کی کیوں جو اے جمدے نہیں انہاں دا ظہور ہوتا ہے انہاں دا نزول ہوتا ہے میں تو بہتر جانتے ہو ظہور یا نزول ہوں شاید ہوتا ہے جیڑی پہلے تو موجود ہوئے جیڑی پہلے تو موجود ہوئے چوتھے پاک امام کریں کہ پوچھا یبنا رسول اللہ آپ کب سے ہیں مولا مسکرا کے فرمایا ہم تب سے ہیں جب کب نہ تھا بولیں اگر بول سکتے تھا ہم تب سے ہیں جب کب نہ تھا پریشان کی گیا مولا فرمایا پریشان نہ کی اگلی گل سن مولا حکم کرو امام فرمایا ہم تب ہوں گے جب تب نہ ہوگا من کانا نبی و آدم و بین الماء و تین آدم دی مٹی مٹی ہے چاہی ہوا ہوا ہے چاہی پانی پانی ہے چاہی یا او ایت یا اے ہائی اے نہ سوچا کر جو اللہ کڑا ہائی تو اے کڑا ہائی تیکم ایکم منن دا حکم ہے چار دیواری دے اندر جھانکن دا حکم نہیں سمجھا رہی لیکن اے منن دا نہیں بھی تو سام منو اے تے حد کراس کرو جو توحید ہی ختم چا کرو تے نبوت ہی ختم چا کرو اللہ اللہ ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی او ہے جڑا خالق حقیقی تو ہی کرا تے جلو ہزار سجدہ سمجھا دی بھی میری گل دی وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں انہا لفظان دی تشریح سرکار عباس باب الحوائج کمر بنی ہاشم فخر بنی ہاشم ساگی علی مولا دے دنیا تے ظہور ہویا مولا ہی دنیا تے آئے جمدے تو سانسا ہے سرکار وفا دی پہشانی علی اور مرتضیٰ دے پتر علی دی پہشانی جو ہاشمیاں دے چند دی پہشانی جو ایک ایسے نور دی لائٹ نکلی
सैयदादा जी आसमान नाल टकराई ते मैं उन्हें आखा जो सादात का बेड़ा रोशन हो गया या महल्ले बानी हाशम रोशन हो गया या शहर मदीना रोशन हो गया नहीं ऐसी नूर दी नाइट निकली ऐसी नूर दी लाइट निकली मौला जिंदगी दरार करने जो पूरी कायनात रोशन हो गया। पूरी कायनात रोशन हो गया। अच्छा मैं एक गल होर आखां, क्यों ना आखां, मेरी बाग फैन साहिबे वफा दी बाग अम्मा जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा चार शबानुल मुअज्जम सजदे च सर रखा ही कन्ने। मैं थोड़ी मोहब्बत का इम्तिहान गिनना जो कितना मदीने वाले नाल अकीदत ते मवद्दत रखदे हो। सजदे च सर रखा ही कन्ने जिहड़ा सजदे च सर उठे ते एक सर नहीं दो सर बुलंद होए। जींदे रहो, आबाद रहो, इंशाल्लाह वसदे रहो, मौला थोड़ी नौकरी कबूल फरमावे। मालिक कायनात थको अपने हिफ्ज अमान च रखे। दुआ मंगी करो जो इस नाजुक मुश्किल दौर मौला हर मोमेंट पे करम करे, मालिक सबको हिदायत देवे। बमाए मैं हकीर दे ते थोड़े असा पकड़ में लह चुके हैं, असा ना दे शिया रह गए हैं, ना दे मोमेंट रह गए हैं, ना दे मातमी के आजादार रह गए हैं। मोमिन बन, मवाली बन, मातमी बन, आजादार बन, जिमें मदीने वाले चाहते हैं, जिमें चौड़ा चाहते हैं, तो जिमें अल्लाह चाहता है। मैं आखा जो मैं अली का शिया नौकरा का नौकर हूं। बुजुर्गो तुसा गलियां चौकां बाजारां च खड़ के आखो वल्ला बखुदा इहदे च वदन कोई नहीं, इहदे च सच्चाई कोई नहीं। जे सैयद हथ बदी खड़ा मेरी गल ते नाराज ही ना थी वाए। वजन हकीकत पावर सच्चाई इस गल है जो चौड़ा आखन तू साडा है। मालिक सानू इस लायक बनावे, इस काबिल बनावे जो असा मालका पसंद आ वजिए कि वह आखण साडे मन्नण वाले। इवें हक बन रहे ते जे बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, अली उन वली उल्लाह ही पढ़े, मजलस करवावे ही सही ते पढ़े ही सही ते सुने ही सही। इन्हें गलों की जरूरत है, मेरे को पता होना तुसा टीच बैठो तो नाराज नहीं बैठो, थी दे तो थी बजो। मैं थोको राधी नहीं करना, ना मैं थोको राधी करना आया। अली और वली उल्लाह ही पढ़े, मातम ही करे, जंजीर ही मारे, गलियां चौकां बाजारें चाहे हुसैन करे, ते कम अली दे मन्नण वाले दे न करे। गुजारिश है भी अली उन वली उल्लाह ही पढ़े ते चौक च कड़ के शराब भी पीवे। ना हुन ना बोले सो, ना हुन तुसा नारा मरे सो, ना हुन तुसा मैं गुदाद दे सो, हुन तुसा दिल च जरूर आखो अच्छा शबीर शाह तक वाजे तां सड बैठे हैं ते अगर सारी जिंदगी देखो ना सड़े सो ते कोई राह ही ना लभसी पासे आवण दा। ई गल की मेरे को परवाह कोई नहीं, रिल वो जरा पंजा बारह चौदह की गल है इनका सदका खालिक मैं गुड़े हूं। गली च टुरदा पिया होवे सरकारे अमीर उल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दुश्मन एक नहीं, सैकड़े नहीं, करोड़ा दुश्मनों में ते अली दी शिया को टुरदा देख के ते नाल आले दा मोंडा हिला के आखे ए हे हसनैन ते बाबे दा शिया। सड़वावे अली दा शिया ते जी दे हक ते डाका मारे चोरियां ते डकैतियां करे असूले दीन ते फरूए दीन दा पाबंद ना होवे कोई फायदा ओए मर मजना है मौला थोड़ी जिंदगी करे मर मजना है जिंदगी दा कोई पता नहीं आओ बिस्मिल्लाह केड़े मोड़ ते मुक मजनी है कहीं कोई पता
ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੈਸਨ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਇੱਥਾਂ ਨਿਭ ਵੈਸੀ ਅੱਗਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਓਏ ਆਥੇ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੌਢਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਬੈਸਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜੰਨਤ ਚੋ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਢਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਸਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਰੋ ਦੇ ਮਾਸ਼ਰ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੌਢਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਬ ਤੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਤੋਂ ਹਯਾ ਤੋਂ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੋਵੇਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਥਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਇਵੇਂ ਢਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੇਟਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੰਗੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡੇਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੋਮੇ ਨਾ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਾਂ ਕੂੜੇ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਦਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੈ बाकी चंद दिया ते तुसा सारे साडे नाल रल के आखो लेकिन गुजारिश सैयद गैर सैयद अमीर है गरीब है जै मुहम्मद अहले बैत मुहम्मद नाल दू नंबरी कीती है ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਡੂ ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਫੇ ਅਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੂ ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਫੇ ਅਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਨੀ ਹੈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਖਤੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਛਡਵੈਂਦਾ ਹੈ ਮੂਮਿਨ ਛਡਵੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਮੀ ਛਡਵੈਂਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਛਡਵੈਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੌੜਾਂ ਦਾ ਮੋਢੇ ਵੀ ਛਡਵੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈ ਘਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਮਿੰਬਰੀ ਨਾਲ ਡੂ ਨੰਬਰੀ ਕਰੇਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜੋ ਤਾਂ ਪੀਉ ਹੋਈ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਉਹ ਘਰ ਤਬਾਹ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਲੋੜ ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੈ ਨਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਗ ਨਾਲ ਲੋੜ ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੈਰ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੌਢਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੈਯਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੇਰਾ ਹਾ ਵੀਰ ਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਨਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਮੰਜਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁੱਕ ਮੰਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਛਤਾਵਣਾ ਜੋ ਹੀ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਖਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਚੌਢਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲੋ ਬਿਨ ਯਾਦ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਨਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੰਜ ਪਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗਏ ਲੱਖ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਲੱਖ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ मैं थोड़े सवाल का जवाब देना नाराजगी नहीं 15 साल या 20 साल मिंबर पे सिद्धियां कीतियां डट के कीतियां ना को मेरी कांडे ना को मेरी लाबी है
ना मैं जागीरां दा मालिक हाँ, ना मैं मुरब्बियां दा मालिक हाँ, ना मैं मिलना फैक्ट्रियां दा मालिक हाँ। जदा मैं 300 लू विच इश्तेहारी गई हाँ ना, 4-4.5 साल लू कतल मैंने दे हैं, मैं थोड़े इलाके च मुहर्रम ही पढ़े, मजलसे ही पढ़िया, मैं मिंबर ते खड़ के उहे लई हक दी गल कीती है, भावें मेरा सर लांदा है ते लहे मंजे उहदा कौम साडे नाल तावन क्या कीता वी मजलस च 2 मिंट आखे जीवें सैयद असां तेरे नाल है, जदा बारगाह ते मस्जिद दा गेट असां बाहर निकलण आखे तू कौन ते असां कौन। मेरा पुत्र होवे फेरा होवे कोई होवे मैं सच्ची करनो रांधा नहीं। इवें यकीन ना आवे तां मेरी बिरादरी जिथा जिथा मेरी रिश्तेदारी है, हुण मैं पिंड ते शहर गिना ते टाइम मुक गए थी, ये थोड़े इलाके की मेरी रिश्तेदारी है, मेरे रिश्तेदार कणके मन के पूछे वाक सर भी साहब से वो असूल पसंद है, मैं ये डोबे मेरी रिश्तेदारी है, ये थोड़े नाल है, मैं ना को कड़ा माफ नहीं कीता, सच्ची गल ना करनी है भावे मेरा सर लह जाए। देखो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीमे करबला मोहरे नबूवत दे सवार जन्नत दे नवाब नबी दे पुत्र अली ओ बतूल दे पुत्र ये मैदाने करबला जो सर किस वास्ते हक ते दिता है ना सरकार अली हक ते दिता है ते बस सब मनन वाले दे ते हक बनदा है ना है। लेकिन दुआ है कि मालिक के कायनात हर अली और वली अल्लाह पढ़ने वाले बंबई में है मालिक हिदायत बस मैं सैयद दुआ कर सकता हूं मौला थाकू हिदायत देवे तो मौला मैं तू हिदायत देवे बस अल्लाह और मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की बारगाह जी इल्तजा है। खाकी इंसान है खताकार है गुनेगार है, हुण मैं थोड़ा ज्यादा वक्त ना गिना सरकारे अब्बास दी दुनिया ते ज़हूर होया नज़ूर होया सैयद बैठे हो गैर सैयद बैठे हो बुजुर्ग बैठे हो तारीख जान दे हदीस तो तुसा वाकिफ हो नातक के कुरान दे मनन वाले बैठे हो अल्लाह भावे सामने कुरान दी तिलावत करेंदे हो तो क्यों जो साडा अकीदा है जो अली दे मनन वाला अनपढ़ हो सकदा है जाहिल नहीं हो सकदा। बिस्मिल्लाह दी बाद दा नुक्ता सरकारे अली अली उन मुर्तदा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन ये देखो ना जरा अल्लाह ने चाहते हो अशहादु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली मुत्तकियां दा इमाम है। मेरे नाल क्यों लड़दा है जरा आप आद है स्पीकर च खड़ के जरा आद है शहादत दा अमीर अल मोमिनीन अली मोमना दा अमीर है ते कुरान पढ़ के देख कुरान मोमिन आदा कह तुए ते वत तो अगू आद है इमाम अल मुत्तकीन अली मुत्तकी दा इमाम है। अली जानी शराबी दारू ते वासब दा इमाम नहीं, अली उशिया दा इमाम नहीं जेड़ा खून दे डक ते हाका मारे फिरा दे हक ते डाका मारे हमसाए दे हक ते डाका मारे अली हुंदा इमाम नहीं, अली मुत्तकी दा इमाम है। इवें ना सोचा है सकदा ये काफी कीतियां ने एक दी नहीं दू दिहाड़े नहीं साल हा साल कीतियां ने लेकिन मालिक हिदायत दे सके। बिस्मिल्लाह दी बाद दा नुक्ता शफकत बाद मौला अमीर उल मोमिनी इमाम उल मुत्तकी अल्लाह दा वली नबी दा वसी इसे जिम्मे च अगर इजाजत देवो ते मैं बुजुर्ग जाकरां दा लिखा होया कसीदे दा एक शेर सुनावना चाहता वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। ये ज़हन च रखना है जो बिस्मिल्लाह दी बाद दा नुक्ता सरकारे अली उन मुल्तला है। ये मैं कोई याद नहीं भी केड़े शायर दा लिखा है छोटे होंदे असे ते जड़ा मैं ये सोदियां दे रले पढ़दा 77-78 विच
हाथ खोल हाथ खोल हाथ खोल हाथ जा क्यों हाथ जा बना लगी सुनना पता हो गई है सरकार लगा जब दुनिया गया है
हंसते रहो जिंदगी डरा दो कोई तो नहीं कोई तो शरीर नहीं मिनट नहीं दो मिनट नहीं अठा मिनट नहीं चंद सेकंड अखा बंद करो अपना तसल्ला अपना लेन चंगे सुखी नहीं मिलो पूछो सरकार अज के बेड़ा खोदे बोले कुत्ते के मुकाबले चलो कमीने के मुकाबले चलो मैं नशर नहीं करनी टैबलू नहीं करनी तशरू नहीं करनी नंबर दल सरकार अकाल बाबे के कदम किए चूमे नंबर दल सरकार अली अबाद बाबियां पवाई नंबर दल अली बोली तैयार करके अकाल की अली बना के घोड़े पर सवार किए की पाए नंबर दल अली बफे पर मैदान किए आए सरकार अबाद मैदान चाहे फिर कमीने भी अख चख मिला के जी सरकार अबाद अली भी अली फिर गल की दिए सर चाख मेरे लोग सरकार अबाद की कमीने में उठा है तो वो तो तेरी गल की है बकवास कर नमूरी मेरा नाम है अबाद बकवास कर नमूरी मेरा नाम है अबाद बकवास कर नमूरी मेरा नाम है अबाद शेरा कुछ करते शेरा कुछ करके नाचू बाबा हवा से मैं खो बहुत बनाई मैं जोर नहीं लगाया मैं खो बहुत बनाई मैं जोर नहीं लगाया तलवार अपनी तलवार अपनी अल्लाह इबादत कबूल करने पाक सैनी थोड़े ते राजी हो मौला दुनिया के भैन गांव में चुना रुआ भी सैयदा हाथ बन के मिन्नत करे अगर कहीं जवान का दर्ग मोमिन की दिलदारी हो जो मैं मादर करे जो गल करनी है पौनी जो इंदीन का खर्चा तो हो कहीं दुनियादार का खर्च नहीं हो मैं प्यादा हाथ कलाम थी गए दादा
शबीर दी कमर दे दो रब्बा तू मारो मारो मारो।